गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। आज आपको हम देखिए 12th की केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं उसका अगला पार्ट आपको देने जा रहे हैं। कल देखिए हमने क्या बताया था, जो वान्टहाफ के परासरण के जो सिद्धांत थे, नियम थे, पहला चार्ल्स बायर वान्टहाफ का नियम, फिर चार्ल्स वान्टहाफ का नियम मैंने बताया था, वो चीज़ें आपको बताया था। उसके बाद आपको आज मैंने उसी पे बेस न्यूमेरिकल आपको बताना है। तो ये देखिए न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से देखें समझें और आप इसको लगाने का प्रयास करें। और अगर आपके नोट्स में या आपकी जो बुक है उस बुक में क्या है, इस टिप से रिलेटिव परासरण दाब से रिलेटिव न्यूमेरिकल है तो उसको आप लगाएं और समझें। अगर ना समझ में आए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो वहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा अगर हम समझा रहे हैं तो। देखिए एक सवाल है, इस सवाल को ध्यान दीजिएगा। 5 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले, मतलब कि 5 ग्राम कोई पदार्थ है प्रति लीटर, मतलब कि आयतन भी दे दिया है लीटर, सांद्रता वाले पदार्थ का 27 डिग्री सी पर टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सी दिया गया है, दाब दिया गया है कितना 0.025 वायुमंडल, ये भी आपको दे दिया गया है। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, ये आपको दिया गया है, इतनी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज आपको और दिया गया होगा ब्रैकेट में, यहां पे आर का मान, यस का मान दिया गया है, यस बराबर 0.0821 लीटर, इसका यूनिट भी आप कर लीजिएगा, लीटर आपको दिया गया है, इसका मान न्यूमेरिकल है, इसको भाई देख करके हमको बताना पड़ेगा यहां से, लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री, एक बार फिर हम लिख रहे हैं बस, प्रति डिग्री प्रति फिर मोल, ये इसकी यूनिट है। इतनी चीजें आपको दी गई है न्यूमेरिकल में, अब आपकी बुक में भी न्यूमेरिकल होगा उसको वहां से आप देख लीजिएगा, लेकिन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले पदार्थ को 27 डिग्री सी पर दाब जो दिया गया है वो कितना है 0.025 वायुमंडल है। तो पदार्थ के क्या कीजिए, अणुभार की गणना कीजिए, मतलब आपको पदार्थ का अणुभार पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले यहां देखिए, जो ये 5 ग्राम है ये भार है, तो यहां पे आप सीधी सीधी सी बात लिख सकते हो, विलय का भार, और आप विलय के भार को हमेशा आप स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हो, वो कितना दिया गया है 5 ग्राम, या कुछ मत लिखा करो, पदार्थ का भार लिख दिया करो, डायरेक्ट हम यहां लिख दे रहे हैं, आप अगर आप वही चाहते हैं तो वही लिख दे रहा हूं, पदार्थ का भार कितना दिया गया है 5 ग्राम, कल मैंने इस चीज को बताया था, और प्रति लीटर कह रहा है तो इसका मतलब यहां पे आप क्या कह सकते हो, आयतन अर्थात वी इक्वल टू आपको दिया गया है, प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर। बहुत मजा आएगा, जान लीजिएगा पहले सवाल को समझिए कि क्या क्या इसमें दिया गया है, फिर आप कैसे निकालोगे तभी आपको जान लीजिएगा। और फार्मूला तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से फार्मूले थे, एक फार्मूला था पीवी बराबर एल एस टी, एक फार्मूला था पीवी बराबर डब्ल्यू अपान एम एस इंटू टी, ये सब फार्मूले हैं आप जान लीजिएगा। और एक अगर आप चाहो तो इसी से फार्मूला और बना सकते हो, पी बराबर एन अपान बी इंटू एस टी, तो एन अपान बी को क्या लिख सकते हो सी, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे जब सी हो जाएगा तो सी इंटू क्या हो जाएगा एस टी, ये सब फार्मूले हैं जान लीजिएगा। ये फार्मूले अगर आपको मालूम रहेंगे तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे। तो अब हम क्या हो गया, भार 5 ग्राम हो गया, आयतन कितना हो गया 1 लीटर, 5 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले पदार्थ का, अब देखिए ताप भी दिया गया है, परम ताप, परम ताप को आप लोग किससे लिखते हो टी बराबर, मतलब पहले ताप लिखा दिया गया है, ताप ब्रैकेट में टी बराबर कितना दिया गया है भैया 27 डिग्री सी। अब जब 27 डिग्री सी दिया गया है तो मैंने बताया इसको परम ताप में चेंज करना है, तो यहीं पे 27 डिग्री सी और प्लस 273 ऐड कर लीजिए, और जब 273 ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 300, अब ये किस में हो गया केल्विन में। एक सवाल समझ लीजिए तो बाकी सारी सवालें आपको समझ में आ जाएगी जान लीजिएगा, और अगर 21 सवाल आपको प्रॉब्लम कर रही तो आप आगे का न्यूमेरिकल नहीं हल कर पाएंगे, ये बात दिमाग में रख लीजिए।
भार मिल गया, आयतन मिल गया, ताप मिल गया, फिर देखिए कह रहा है दाब, मतलब परासरण दाब भी दिया गया है। तो P बराबर आपको कितना दिया गया है, 0.025, और ये किस में दिया गया है, वायुमंडल में, ये भी आपको मिल गया है। अब फिर कह रहा है पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, मतलब अणुभार यम बराबर स्मॉल यम बराबर आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क। इतनी चीजें हमको इस न्यूमेरिकल से मिल गई, यहां तक अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया फिर से देख लेगा, वो 5 ग्राम प्रति लीटर कह रहा था तो हमने भार लिख लिया 5 ग्राम, लीटर कह रहा था इसलिए 1 लीटर यहां मान लिया, ताप दिया गया था डिग्री सेल्सियस में तो मैंने बताया इसमें परम ताप में रखते हैं तो इसमें 273 27 में 273 जोड़ दोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो ये परासरण दाब आपको देखो यहां दिया गया है 0.025 वायुमंडल, तो मैंने उसको लिख दिया 0.025 वायुमंडल, और कह रहा है अणुभार की गणना कीजिए तो मैंने अणुभार लिख दिया। अब आप सोचिए कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे हम अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं, तो आप देखिए ये वाला फार्मूला, यहां पे आपको मालूम है सारी चीजें तो आप इसी फार्मूले में ले आइए। अतः हमारा जो फार्मूला है आप देखिए, इसके बाद तो आपको आना चाहिए, ये है पी वी और इक्वल टू क्या है बताओ, डब्लू अपान यम इंटू क्या है, यस इंटू टी, यही फार्मूला है। अब सारी वैल्यू रख लीजिए और आप हल कर लीजिए, अब आपको हल करना आता होगा तो यही नहीं तो हम सवाल यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आपको मालूम है पी का मान कितना दिया गया है, 0.025, और वी का मान 1 है इसीलिए इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, एक ही रह जाएगा। डब्लू का मान आपको दिया गया है कितना, 5, तो यहां रखिए 5। यम आपसे पूछ रहा है तो यम बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और यस इंटू टी है तो यस का मान कितना होता है, 0.0821, और टी का मान आपका कितना है, 300। ये आपके पास फार्मूला मिल गया आपका, तो अब आप इसको क्या कीजिए, हल कर लीजिए और हल करके हमें नीचे कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना आएगा। तो आप लोग जब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद आपको मिल जाएगा इसका 49 और फिर ये 26, यम का जो मान है यही इसका मिलेगा। अगर आप पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको भी, भाई साल में करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, आप साल में कर सकते हो, साल में करके आपको मिलेगा जो इसका आंसर आएगा वो 4926 आएगा। तो इस तरीके से एक न्यूमेरिकल हमने आपको क्या किया, बता दिया। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, अब ध्यान दीजिए। ये फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, जान लीजिएगा। और कैलकुलेशन करना तो आप नहीं सीखे हो तो आप जान लीजिए 12वीं तक आप पहुंच गए, कैसे पहुंच गए हो आप विचार कीजिए, तो चीजें 9th-10th में आपको बताई जाती है। एक न्यूमेरिकल हम और अभी लिया करते हैं, उसको पहले ध्यान दीजिए। 0°C पर अगला न्यूमेरिकल, 0°C पर 5% यूरिया के 5% का परासरण दाब ज्ञात करें। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 0°C पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अगर आप एक न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो ऐसे आपसे पता नहीं कितने, 2%, 10%, 15%, अलग अलग प्रकार से आपको यह हल करने के लिए आमंत्रित करता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर एक न्यूमेरिकल आपका ये हल हो गया तो बाकी जितने भी न्यूमेरिकल हैं ये आपको विधिवत समझ में आ जाएंगे, इसीलिए आपको इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान देकर के समझना है। अगर ये न्यूमेरिकल आ गया जान लीजिए ना, तो आपको 8-10 न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, जान लीजिएगा। और आपके पास जो बुकें हैं उसमें देखिए तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, 10 ईयर वगैरह हो आपके पास उसको उठा करके देखिए, जो आपकी कम आपकी अनदर बुकें होती उसमें देखिए। तो इस सवाल को हम आपको बताए, अभी कुछ चीजें इसमें और दी गई हैं,
यस का आर का मान भी दिया गया है इसमें, और ब्रैकेट में दिया गया है सी बराबर 12, एच बराबर एन, ये तो सब चीजें आप जानते हो, और एन बराबर 14 दिया गया है ये ब्रैकेट में, और आर का मान भी दे दिया गया है और वो है 0.0821, अभी लिखा ही था मैं उसको, बात बार बार नहीं लिखूंगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम इस सवाल को लगाना चाहें तो सबसे पहले देखिए कह रहा है 0°C, इसका मतलब टेम्परेचर तो इसमें दिया गया है, लेकिन जो आगे आपसे कह रहा है 5%, यही आपको समझना है। अगर जो बच्चे 5% समझ गए, अभी मैंने इसके पहले एक सवाल लगवाया था 6% यूरिया के जली बिलर का प्रश्न था, वो सारी कौन प्रभाव, तो वही पूरी सवाल है, जान लीजिए। अगर यही चीज केवल बच्चे समझ जाते हैं तो एकदम समझ में आ जाते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिए पहले इसको लिख रहा हूं। अब इसका हल है 5% यूरिया का अर्थ यह है कि, ध्यान दीजिएगा, 100 मिलीलीटर वही है W/V, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, 100 मिलीलीटर विलयन में 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है, यही इस सवाल का मतलब है। 5% यूरिया का मतलब है कि यूरिया का भार कितना हो गया 5 ग्राम, और जो विलयन का आयतन दिया गया है वो 100 ml है। बस अगर इस पे भी कुछ लोग समझ जाए तब भी अच्छा है, कि अगर 5% दिया गया इसका मतलब यूरिया का भार 5 हो गया है और विलयन का आयतन कितना हो गया 100 ml। अब इससे देखो दो चीजें आपको मिल गई, यूरिया का भार भी मिल गया और विलयन का क्या मिल गया, आयतन भी मिल गया। तो अब यहां पे इस चीज को आप पहले लिखेंगे तब बाकी एकदम बातें समझ में आएंगी। 5% यूरिया का अर्थ यह है कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम यूरिया क्या है आपकी उपस्थित है। अतः अब बताया क्या हो जाएगा, W बराबर कितना हो गया 5 ग्राम, और आयतन कितना हो गया, आयतन बताओ V, आयतन V बराबर कितना हो जाएगा राजू 100 ml, और 100 ml में है, और मैंने कल ही बताया था कि इसमें जो आयतन रखा जाता है वो किसमें रखा जाता है, लीटर में, तो ये हो जाएगा 100, और यहीं पे आप इसको क्या कर दीजिएगा 1000 से भाग दे दीजिएगा, और जब आप इसको 1000 से भाग दे देंगे चाहे आप यही रहने दीजिए, अब ये हो जाएगा 1000, 100/1000 लीटर। तो इस टॉपिक से केवल दो चीजें मिली, 5 ग्राम मिल गया और आयतन कितना बता दिया मैंने 100 ml था, मैं लीटर में था ना इसमें, और उसके बाद मैंने क्या किया इसमें लीटर में चेंज किया, तो 100/1000। अभी मैं काट नहीं रहा हूं क्योंकि आगे आपको अगर हल करना चाहेंगे तो आपको हल करने में मजा आएगा, नहीं तो आप 0.1 ला सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए आगे, अब इस सवाल में क्या दिया गया है, 0°C कह रहा है, तो ताप कितना दिया गया है राजू 0°C। अब आप इसमें 273 ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 273 केल्विन, क्योंकि हम जो यहाँ पे ताप रखते हैं और आप किस में रखते हो परम ताप है, तो यहाँ पे कैपिटल टी बराबर कितना हो गया आपका 273 केल्विन। अब यस का मान आपको आर नहीं, इसको यस करिए, आर हमारी आदत पड़ गई है, यस बराबर आपको दिया ही गया है 0.08, तो ये ले लिया करो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक पर नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 0.08 तो ही रख दिया करो। और एक चीज आपको और अभी चाहिए, W मिल गया, V मिल गया, ताप मिल गया, S मिल गया, अब आपको चाहिए यम, और यम तो आपको मालूम है यूरिया, तो यहां पे लिखेंगे यूरिया जिसका होगा उसी तो निकालेंगे, यूरिया का अणुभार, और यूरिया का अणुभार यम। अब अणुभार निकालना तो आपको मालूम होना चाहिए NH2CO NH2, यही यूरिया का सूत्र होता है। अब जब यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2, तो अब आप रख दीजिए, इसका होता है 14, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ये सब आपको मालूम है,
फिर नाइट्रोजन है इसका होगा 14 और फिर हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। और अगर आप निकालेंगे तो आई होप ऐड करिएगा 60 आएगा, आप लोग भी याद कर लेंगे इसे। तो इतनी चीजें आपको देखिए, अब मेरे हिसाब से आपको सवाल लगाने में अब आपसे पूछ क्या रहा है, पराशरण दाब। तो यहां पे आप क्या कर दीजिएगा, चाहे इधर कर दीजिए चाहे यहां पे पराशरण दाब ब्रेकेट में पी बराबर क्वेश्चन। अब जिन बच्चों को एक बार नहीं समझ आओ फिर से देख लिया, यही सवाल दी गई थी, मैंने यहीं से शुरू किया है, एक सवाल बता रहा हूं बाकी सब आप समझ जाएंगे। 5% यूरिया का अर्थ यह है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है, अतः यूरिया का भार क्या है, 5 ग्राम हो गया, तो विलयन का आयतन चाहिए। और फिर उसके बाद आप 100 ml पाए, फिर इसको लीटर में चेंज किया 1000 से, फिर ताप देखो ये 0 डिग्री सी था, अभी डिग्री सेल्सियस में जिसको हमको पाल ताप में चेंज करना है 273 ऐड कर दिया, फिर यस का मान आपको दिया ही गया है वो, और यूरिया का भार आप निकालना जानते होंगे जो चीज यहाँ दिया गया है, तो आपको 60 आ गया। अभी पराशरण दाब आपसे पूछ ही रहा है, तो पराशरण दाब क्या है, क्वेश्चन मार्क है ये, यहाँ इसको आपको लिखने में कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ क्या लिख दीजिए, पराशरण दाब पी वाला क्वेश्चन। तो अब आपके पास फार्मूला क्या है बताइए, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, पीवी बराबर एन एस पी, तो ये फार्मूला देखिए जो आपका है यही लगेगा इसमें, क्या है, पीवी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एस पी। अब पी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एस टी अपॉन क्या हो जाएगा, एम इंटू वी। अब W का मान रखिए सबका, W का मान है 5, S का मान आपने भी निकाला है 0.082 मैंने कहा है, T का मान आपने भी निकाला कितना है आपका 273 रख दीजिए। अब आप आइए, अब M का मान आपको मालूम होना चाहिए 60 यूरिया है ना, ये 60 निकाले, और V का मान देखो, आप जो बच्चे समझते होंगे हमारी बात को जान के, V देखिए आयतन कितना है, इतना है, तो आप जब रखोगे तो यहां रह जाएगा 100 और 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये जैसे ही 1000 ऊपर जाएगा, अब ध्यान दीजिए मैंने देखो इसीलिए इसको 3 अंक तक लिया था, अब जैसे ही 1000 ऊपर जाएगा ये पूरा पॉइंट टॉपिक समाप्त हो गया आपका, 1, 2, 3 अंक था ना, तो यहां 3 0 है खत्म हो गया, तो आपका बचा कितना, इसको अगर आप चाहें तो काट दें, यहाँ से ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 12, तो यहाँ बचा केवल क्या आपका ये 0, खत्म ही हो गया, केवल आपको मिला क्या 82 मिला ना जी, और फिर गुणे कितना मिला 273 और ये कितना बचा यहाँ पे 12 × 12 = 60 ना, और गुणे ये कितना बचा 100। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके हमको बताइए, आप कैलकुलेट करेंगे इस पूरी चीज को तो आपको मिलेगा 18.67 वोल्ट, यही इसका कैलकुलेशन। अब यार ध्यान दिया करिए थोड़ा सा कि इंटरमीडिएट लेवल तक बस यहीं तक बच्चों को बताया जाता है, उसके आगे तो फिर आपको ऐसा हम कमेंट कर दें या बता दें तो आपका हो जाता है। इस तरीके से ये आपकी सवाल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, आई होप क्लियर होगा, आपको सवाल आई होगी। चलिए इसको हम आप इरेज करते हैं, अगला न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, न्यूमेरिकल आपको लगाना है तो आप जान लीजिएगा विधिवत तरीके से, इसको आप ध्यान दीजिए तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी, अनदर आपको बस केवल ऐसे रहना ही पड़ेगा। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गई है तो मैं आपको एक दो सवालें दे रहा हूं, उसको आप घर पे लगाइए, एक सवाल मैं दो लिख रहा हूं, सबका आंसर भी लिख दे रहा हूं, ये होमवर्क है आपकी, जान लीजिए तीसरी सवाल, 27 डिग्री सी पर 8% आवाज, आपको होमवर्क दे रहा हूं, यूरिया ब्रेकेट में NH2CO NH2
का पराशरण दाब ज्ञात करें। ये पूरे उसी की कॉपी है, जान लीजिएगा। अब ब्रेकअप में आपको जो यस का मान है वो जानते हो आप लोग, दिया ही रहता हमेशा 0.0821, ये होता है लीटर। क्या बार बार इसको लिखे, वायुमंडल प्रति डिग्री, फिर प्रति मोल। बस ये एक सवाल है, इसको आप घर पे लगाएंगे और नहीं आएगा तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। ये जो नंबर आप फोन दे रहे हैं शाम को, नहीं आएगा तो बताइएगा इस नंबर पे, हम आपको कल से फिर बताएंगे सवाल। एकदम उसी की कॉपी है जो ऊपर सवाल लगाया हूं। एक सवाल और है, 30 डिग्री सी पर। हाँ, इस सवाल का आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका मैं आंसर ही बता दे रहा हूं आपको। आंसर यहां लिख दे रहा हूं, 32.84 वायुमंडल आएगा इस सवाल का आंसर। 30 डिग्री सी पर फिर आएगा 30 डिग्री सी पर 3% की बात, 3% यूरिया के विलयन का पराशरण दाब ज्ञात करें। फिर ब्रैकेट में यस बराबर दे दिया गया है, सब कुछ चीजें वही है। इस सवाल का आंसर भी आपको हम बता देते हैं, इस सवाल का आंसर आएगा 12.423 वायुमंडल। ये सब होमवर्क है, घर पे इसको बैठ करके लगाइए अब आपको। अगली एक सवाल है, इसको भी लगाएंगे। पर पूरी की पूरी वही सब सवाल चल रहे, 10% यूरिया के विलयन का, जलीय विलयन का पराशरण था ज्ञात करें। सभी लोग सवाल लगाएंगे, बता रहे हैं इस कब का आंसर भी बता दे रहा हूं। और इस सवाल का आंसर आएगा 39.68 वायुमंडल। ये तो ये तीन आपको मैंने होमवर्क दिया है। अगर आपको पहली सवाल एकदम विधिवत तरीके से आप दो बार सवाल लेंगे तो आपको एकदम उसी की कॉपी है ये सब सवाल, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस टाइप की सवाल लगाने में आनंद आएगा। आप लोग इसको सवाल को घर पे लगाइएगा। चलिए एक सवाल हम और लिखेंगे, उसको इरेज कर रहे हैं। आज न्यूमेरिकल पढ़िए पहले इसको विधिवत तरीके से। किसी पदार्थ के 100 मिलीलीटर विलयन में 100 मिलीलीटर विलयन में 4.5 ग्राम पदार्थ घुला है, 4.5 ग्राम पदार्थ घुला है, फिर क्या है, 20 डिग्री सी पर
किसी पदार्थ के 100 ml विलयन में 4.5 पदार्थ ग्राम पदार्थ घुला है। 20 डिग्री सी पर इस विलयन का परासरण दाब इस विलयन का परासरण दाब 3.2 वायुमंडल, 3.2 वायुमंडल है। आर के मान की गणना कीजिए। यस यस, 3.2 वायुमंडल है। यस या चाहे कह दीजिए आर, मैंने पहले ही बताया के मान की। यस या आर विलयन स्थिरांक सॉल्यूशन जो कांस्टेंट है उसी की मान कितना है। यस या आर के मान की गणना कीजिए। यदि आगे भी कह रहा है, यदि पदार्थ का अणुभार है, यही सवाल है आपके। पूरी सवाल आप एक बार ध्यान से देखें। किसी पदार्थ के 100 ml विलयन में 4.5 ग्राम पदार्थ घुला है, मतलब कि जो विलयन का आयतन दिया गया है वो आपको 100 मिलीलीटर दिया गया है, और जो पदार्थ का भार है वो 4.5 ग्राम है, और 20 डिग्री सी पर इस विलयन का परासरण दाब मतलब टेम्परेचर भी आपको दे दिया गया है 20 डिग्री सी, और परासरण दाब 3.2 वायुमंडल दिया गया है, और फिर यस या आर के मान की गणना कीजिए। और फिर कह रहा है कि पदार्थ का अणुभार 342 है। कोई बच्चा बता सकता है 342 किसका अणुभार होता है? आपको हम बता देते हैं, जो चीनी होता है जिसको आप लोग सुक्रोज कहते हो, चीनी का जो अणुभार हुआ करता है वो 342 होता है। आप जान लीजिएगा, तो नहीं निकाल के देख लीजिएगा। और यस या आर के मान की गणना करने के लिए कह रहा है, तो यस या जो आर का मान होता है वो तो आंसर एक तरीके से आपको कहें तो मालूम ही है, लेकिन आप हल कर लीजिए, देखिए कैसे हल करेंगे। तो किसी पदार्थ के 100 ml, तो यहां पे देखिए जो दिया गया है क्या क्या दिया गया है उस चीज को ध्यान देंगे, कैलकुलेट करना है। दिया गया है आयतन, हमारा काम जो है उतना कर रहे हैं। V इक्वल टू दिया गया है 100 ml, लीटर में चेंज कर दीजिए तो 100/100, और ये क्या हो जाएगा लीटर, 100/1000 होगा, 100/1000 लीटर। और फिर कह रहा है भार, तो यहां पे लिखेंगे पदार्थ का भार W बराबर 4.5 ग्राम। फिर ताप दिया गया है T बराबर 20 डिग्री सी, तो अब इसमें 273 जोड़ दीजिए, तो 20+273 √83 ये हो गया 293 केल्विन। अब विलयन का परासरण दाब दिया गया है, परासरण दाब P बराबर 3.2 वायुमंडल है। ये आर या एस के मान की गणना करने के लिए कराते हैं एस बराबर क्वेश्चन मार्क, और अणुभार दिया गया है एम बराबर, ये है आपका 342, 342 आपको दिया गया है। अब आप इसको हल करिए। अब आप जानते हो फार्मूला, आपके पास फार्मूला क्या है, पीवी बराबर W/m × ST, यही फार्मूला है। पीवी बराबर W/m × क्या है ST, तो पी का मान आप देखिए कितना है, अब एक चीज रखिए, पी का जो मान है वो कितना है 3.2, और वी आयतन, वी आयतन जो दिया गया है आपका वो कितना दिया गया है। अब आप चाहें तो इसको यहीं हल कर लें, क्योंकि अब की बार तो ऐसे काम इसका पड़ नहीं रहा है हमको,
तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 0.1 लीटर भाई, ये खत्म, तो ये 10/0.1, ये हो जाएगा 0.1। W का मान दिया गया है, कहाँ दिया गया, 4.5। M का मान दिया गया है 342। अब आप ध्यान दीजिए, अब जब ये M का मान 342 है, S का मान क्वेश्चन मार्क, यह नहीं गया, पूछा है T का इक्वल टू 293। अब आप इसको हल करिए, अब जब आप लोग इसको हल करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, हम आपको केवल इसका आंसर ही बता दे रहे हैं, बस केवल कैलकुलेशन करना है, S का मान निकालना है, तो 0.083 लीटर भाई कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे परासरण दाब से जो रिलेटिव आपके न्यूमेरिकल हैं उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी पूर्वक से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जो भी न्यूमेरिकल था, एक न्यूमेरिकल हम आपको और बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर कल आगे आपको दूसरा टॉपिक बताया जाएगा। एक न्यूमेरिकल और देखिए, 27°C पर यूरिया के 10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। बराबर 0.083 लीटर वायुमंडल
अब आप इसको हल कर लीजिए, कैलकुलेशन इसका करके हमको बता दो जल्दी से। 27 डिग्री सी तीन सौ हो गए, यहाँ सारी ये 300 है ना, इसको 300 लिख लीजिएगा। आप हल करिए जल्दी से, हल करेंगे आप लोग इसको पूरा, जीरो से जीरो कट जाएगा तो आपको इसका पूरा जो कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको मिलेगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 2.46 वायुमंडल। ये इस सवाल में बस थोड़ा सा यहीं पे ट्रिक था बस कि यंग बाई टेन लिख दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया इस यंग ये पीवी बराबर एन एस टी फार्मूला होता है तो यंग अपॉन वी का ये मान हो जाएगा क्या 1/10। यहां पर देखिए मैंने बता दिया यस का मान दिया ही गया था, आप बढ़िया तरीके से इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और इस तरीके से आपका जो ये पराश्रम ताप से रिलेटिव आज आपको न्यूमेरिकल थी हमने आज आपको बता दिया। और अगर आप लोगों को बढ़िया सा समझ में आया तो आप लोग इसको कॉपी में नोट्स कीजिए और कमेंट कीजिए, और न्यूमेरिकल आप जानते ही हैं आपका कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो न्यूमेरिकल भी आपका अच्छा रहेगा, अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो आप न्यूमेरिकल उतना अच्छा नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। यहाँ तो अभी अगर हम आपको बता दे रहे हैं लेकिन एग्जाम में तो आपको अपने हिसाब से डिपेंड करना पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद।